हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रॉब्लम्स को आप अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करें। पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करना। यदि हमें सभी रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू के दिए हों तो हम उन्हें कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसका ये मेथड आप सभी जानते हैं। जैसा कि यहाँ आपको तीन रेजिस्टेंस जिनके वैल्यू 3, 4 और 5 ओम है को सॉल्व करके बताया गया है। अब दूसरा मेथड, अगर हमें सेम वैल्यू के कई रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हों तो हम उन्हें इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें n रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू r ओम है पैरेलल में दिए गए हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का भाग देंगे। फॉर एग्जांपल, हमें 75 ओम के 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए गए हों तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू 75 में 3 का भाग देंगे, जो कि 25 आता है। यही आपका आंसर है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेनली मल्टीपल वैल्यू के रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया होता है। इनमें एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस का n टाइम्स होगा। हमारे पास यहाँ दो रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम और दूसरा 24 ओम। 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आता है, अर्थात यहाँ n की वैल्यू 2 है। अब इसे सॉल्व करने के लिए बड़े रेजिस्टेंस में n प्लस 1 का भाग देंगे, जहाँ बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 और n की वैल्यू 2 है। अब हम इसे इस फॉर्मूले में रख कर वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम 8, 12 और 24 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। यहाँ 12 का 2 गुना 24 है, इसलिए पहले हम 12 और 24 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम बड़े रेजिस्टेंस 24 में 2 प्लस 1 बराबर 3 का भाग देंगे, जिसे सॉल्व करने पर 8 आता है। अब हमारे पास 12 और 24 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम आ चुका है। इस 8 ओम को हम पहले 8 ओम के साथ पैरेलल सॉल्व करेंगे, जो कि 4 ओम आएगा, क्योंकि दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू का हाफ हो जाता है। यहाँ हमारे पास दो रेजिस्टेंस 5 ओम और 20 ओम है। बड़ा रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस का 4 गुना है, इसलिए हम यहाँ बड़े रेजिस्टेंस 20 ओम में 4 + 1 = 5 का भाग देंगे, जो कि 4 ओम आंसर आएगा। यहाँ हमारे पास 7.5 और 15 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं। यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस का 2 गुना है, इसलिए हम बड़े रेजिस्टेंस की वैल्यू में 3 का भाग देंगे। बड़े रेजिस्टेंस 15 ओम में 3 का भाग देने पर 5 ओम रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस का 2 गुना है, इसलिए हम यहाँ बड़े रेजिस्टेंस में 3 का भाग देंगे, जिससे आंसर 30 ओम आएगा। यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस का 3 गुना है, इसलिए यहाँ हम बड़े रेजिस्टेंस में 4 का भाग देंगे, जो कि 5.25 आएगा। यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस छोटे रेजिस्टेंस का 2.5 गुना है,
इसलिए यहाँ हम बड़े रेजिस्टेंस में 3.5 का भाग देंगे। यहाँ हम पहले 2.5 ओम और 10 ओम को सोल्व करेंगे जो कि 2 ओम आता है। अब हम इस बचे हुए 8 ओम के रेजिस्टेंस को 2 ओम के साथ सोल्व करेंगे। यहाँ हम पहले 20 ओम और 60 ओम को हल करेंगे जो कि 15 आएगा। अब हम इस 15 ओम को 30 ओम के साथ हल करेंगे जो कि 10 ओम आएगा। यहाँ हम पहले 10 ओम और 40 ओम को सोल्व करेंगे जो कि 8 ओम आया। अब इस 8 ओम को सर्किट में दिए गए 8 ओम के साथ सोल्व किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आया। अब हम 5 ओम और 20 ओम को सोल्व करेंगे जो कि 4 ओम आया। अब इस 4 ओम को पहले के 4 ओम के साथ सोल्व करेंगे जो कि 2 ओम आया।